नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बताएंगे कि आप अपने लक्षणों के अनुसार कैसे जान सकते हैं कि आपका मंगल आपके लिए शुभ है या अशुभ है, और अगर मंगल आपको अशुभ परिणाम दे रहा है तो उसे बेहतर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और जानेंगे कि उन लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अगर मंगल अशुभ है हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में, तो उसके लक्षण क्या हैं। देखिए, अगर मंगल आपका अशुभ होगा, निगेटिव होगा, तो व्यक्ति क्रूर और हिंसक स्वभाव का होगा। उसका आत्मविश्वास और उसका साहस ये कमजोर होगा। ऐसे लोगों को संपत्ति के मामले में और जमीन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और सामान्यतः रक्त संबंधी, घाव संबंधी समस्याएं व्यक्ति को हो जाती हैं। मंगल अगर अशुभ होता है तो कर्ज और मुकदमेबाजी जीवन में लगी रहती है और कभी कभी जेल के दर्शन भी हो जाते हैं, व्यक्ति जेल चला जाता है। अगर विवाह भाव से मंगल का संबंध है तो वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, उसमें हिंसा, वायलेंस, मारपीट की संभावना बन जाती है। मंगल अगर शुभ हो तो इसके लक्षण क्या हैं ये जानेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, मानसिक तनाव आपका कम होगा, वाद विवाद से इस समय बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम में सफलता मिलेगी, आकस्मिक यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि ये कैसे जाने कि हमारा मंगल हमारे लिए शुभ है। देखिए, अगर मंगल शुभ होगा तो व्यक्ति साहसी और उदार होगा, उसका आत्मविश्वास बहुत अच्छा होगा। मंगल अगर शुभ होगा तो साहस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। मंगल शुभ होगा तो व्यक्ति धनवान होगा और उसके पास काफी जमीन जायदाद होगी। व्यक्ति का पारिवारिक संबंध, रिश्ते अच्छे होंगे। सामान्यतः मंगल शुभ हो तो ऐसे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, और ऐसे लोगों को आयु के 28वें वर्ष के बाद जीवन में ज्यादा सफलता की प्राप्ति होती है। मंगल अगर कुंडली में जीवन में अशुभ हो तो उसको बेहतर करने के लिए क्या करें
वो आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ होगा, पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी, काम की अधिकता से छुटकारा मिलेगा। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, महत्वपूर्ण काम बीच में रुक सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर लक्षण ये बता रहे हैं कि मंगल अशुभ है तो क्या उपाय करेंगे। मंगलवार का उपवास रखिए और इस दिन नमक का प्रयोग मत करिए। रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। मंगल के मंत्र का जाप मध्य दोपहर में करिएगा। भूमि पर यानी जमीन पर या जमीन के निकट सोने का प्रयास करिएगा और अपने भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते बेहतर रखिएगा। देखिए, मंगल को बेहतर करने के लिए मूंगा धारण किया जाता है, लेकिन मूंगा धारण करने के बारे में ये समझ लें कि अगर मंगल आपका कमजोर है और वो परिणाम नहीं दे पा रहा है तब आपको मूंगा पहनने से लाभ होगा। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, धन का खर्च आपका बढ़ सकता है, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, कोई छोटी यात्रा हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल या दिन के समय में हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं
तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।